आगामी 5 दिवस सार्वत्रिक वरसाद पड़शे। केटलाक विस्तारों में भारे वरसाद पण पड़ी शके। हवामान विभागना मते राज्य में हजू 35% वरसादनी घट छे। सप्टेम्बर महीना में वरसादनी घट रिकवर थवानी आशा बंधाई। दक्षिण गुजरात अने सौराष्ट्र में भारे वरसाद वरसी शके। अमदावाद गांधीनगर सहित मध्य गुजरात में मध्यम वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। तो महेसाणा, पाटण, मोडासा, साबरकांठा अने बनासकांठा में पण भारे वरसाद थई शके छे। पांच दिन में गुजरात रीजन में वाइड स्प्रेड रेन रहेगा और सौराष्ट्र कच्छ में आज के लिए वाइड स्प्रेड रेन रहेगा। उसका बाद रेनफॉल थोड़ा सा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कम होने का संभावना है, फेयरली वाइड स्प्रेड देन स्कैटर्ड होने का संभावना है। लेकिन गुजरात रीजन में हेवी टू वेरी हेवी रेन अगले 5 दिन में रहेगा आइसोलेटेड प्लेसेस में। सौराष्ट्र कच्छ में आज के लिए हेवी टू वेरी हेवी रेन रहेगा और कल आइसोलेटेड हेवी रेन होने का संभावना है। मोस्टली आज अगले 24 आवर्स के लिए हेवी टू वेरी हेवी रेन सेंट्रल सौराष्ट्र एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात रीजन, सेंट्रल गुजरात रीजन, इवन ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात रीजन में हेवी टू वेरी हेवी रेन होने का संभावना है। जो सर्कुलेशन है, कल का जो लो प्रेशर है वो अभी लेस मार्क हो गया है। अभी सर्कुलेशन है सेंट्रल पार्ट ऑफ वेस्ट एमपी एडजॉइनिंग ईस्ट राजस्थान में और एक ट्रफ जा रहा है नॉर्थ ईस्ट अरबियन सी से लेके नॉर्थ ओडिशा तक अक्रॉस साउथ गुजरात। तो उसकी वो दोनों सिस्टम की वजह से गुजरात को, पूरे गुजरात को बारिश रहेगा। अहमदाबाद में साउथ, तो अहमदाबाद में हेवी टू वेरी हेवी रेन हो सकता है। सिटी में मोस्टली मॉडरेट टू हेवी होने का संभावना है। अभी डेफिशिएंट 35% है गुजरात स्टेट एज ए होल, 5% कवर अप हो चुका है एक दिन में। आगे भी बारिश कंटिन्यू रहेगा। अभी बारिश गुजरात रीजन में आगे बारिश रहेगा। तो हवामान विभागे वरसाद ने लेने जे प्रकारे आगाही करी छे कि राज्य में हजू पण 35% वरसादनी घट छे। सप्टेम्बर में आशा छे कि वरसादनी आ घट पूर्ण थशे। वधु विगतो मेळवीए संवाददाता दिव्या चौहान पासेथी। दिव्या, वरसाद ने लेने राज्य में हवामान विभागे शुं आगाही करी छे? भाविका, राज्य में सार्वत्रिक वरसाद रहेवाना एंधाण हवामान विभाग तरफ थी आपवामां आव्या छे। खेडूतो माटे आ राहतना समाचार गणावी शकाय, कारण के सप्टेम्बर महीना में राज्य में जोवा जोईए तो 40% जेटली वरसादनी घट हती, परंतु सप्टेम्बर में जे अत्यार सुधीमां जे वरसाद वरस्यो ते 5% सुधीनो जे वरसादनी जे घट हती तेमां घटाडो थयो छे। एटले के सप्टेम्बर में जे वरसादनी घट छे ते संपूर्णपणे पूरी थाय तेवी आशा छे ते हवामान तरफ थी पण व्यक्त करवामां आवी छे। तो दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ 5 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદ છે, તો કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં આગામી 3 દિવસ સુધી હળવાથી ભારે વરસાદ રહેશે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં આગામી 3 કલાક સુધી ભારે વરસાદની આગાહી છે તે આપવામાં આવી છે। તો ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગો છે જે જોવા જઈએ તો બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, પાટણ, અરવલ્લી સહિતના તમામ જે વિસ્તારો છે ત્યાં હળવાથી ભારે વરસાદ છે તે વરસી શકે છે। તો બીજી તરફ મધ્ય ગુજરાત એટલે કે અમદાવાદ અમદાવાદીઓ પણ જે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે, તો અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, સુરત સહિતના તમામ જે વિસ્તારો છે ત્યાં પણ હળવાથી ભારે વરસાદની આગાહી છે તે હવામાને આપી છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, ડાંગ, તાપી, આહવા, દાદરા નગર હવેલી સહિતના તમામ જે વિસ્તારો છે ત્યાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે તે આપવામાં આવી છે। મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં હળવો વરસાદ રહેશે, જ્યારે તમામ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે પવન સાથે વરસાદ રહેવાનું અનુમાન છે તે હવામાને લગાવ્યું છે। કારણ કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં લો પ્રેશર સક્રિય થયું છે અને સિયર ઝોનની અસરના કારણે રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ રહેવાનો છે તેવું હવામાન વિભાગ તરફથી અનુમાન કરવામાં આવ્યું છે। ખેતીલાયક વરસાદ પણ વરસ્યો છે, સાથે જ ડેમોની આવકમાં પણ વધારો થાય તેવું અનુમાન છે તે હવામાને વ્યક્ત કર્યું છે। જી બિલકુલ દિવ્યા, ધન્યવાદ તમામ જાણકારી સાથે જોડાવા બદલ।